नेहा मानव सेवा सोसाइटी घुमारवी ने नेहा जयंती के उपलक्ष्य में पुराने बस अड्डे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में 90 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल थी। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहा जाता है कि रक्तदान एक महादान है और इसका कोई भी विकल्प नहीं है, ये केवल मानव द्वारा ही दिया जा सकता है। रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। यहां आयोजित रक्तदान शिविर में आयोजकों ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर उचित सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन का विशेष प्रबंध किया था। नेहा मानव सेवा सोसाइटी ने सभी रक्तदाताओं, सेवकों और जिला स्वास्थ्य विभाग का शिविर के सफल आयोजन के लिए आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि नेहा मानव सेवा सोसाइटी के संस्थापक व सचिव पवन बरूर की बेटी नेहा, जिसकी प्रेरणा से इस सोसाइटी का गठन किया गया था, उसका 28 मई को जन्मदिन होता है, जिसे नेहा मानव सेवा सोसाइटी नेहा जयंती के रूप में मनाती है। उसकी याद में ये दूसरा रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रक्तदाताओं व अन्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। नेहा मानव सोसाइटी द्वारा हमारे लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इन्होंने पिछली बार भी 76 यूनिट यहाँ पे रक्तदान किया था, इस बार भी इससे ऊपर ही करने की उम्मीद है। मैं नेहा मानव सोसाइटी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज घुमारवी में नेहा मानव सेवा सोसाइटी द्वारा दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसके लिए हम नगर परिषद की तरफ से नेहा मानव सोसाइटी का बहुत बहुत आभारी हैं, जो इन्होंने इस कोरोना काल में अपना सहयोग दिया और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया।